हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो इफ यू प्लान टू कम टू कनाडा ऑन डायरेक्ट पीआर, यार आपके माइंड में ये है कि मुझे एलएमआई पे आना है, स्टडी वीजा पे आना है, मेरे को कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए, विजिटर टूरिस्ट वीजा पे आऊँ, मैं एलएमआई पे कन्वर्ट करूँ, या मैं डायरेक्ट पीआर पे आऊँ, या मैं डबल आरएस स्ट्रीम के अंदर जो अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही है, तो मुझे कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ बताऊंगा विच पाथवे यू हैव टू चूज। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं सीधा बात करूंगा डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, योर एज, विच प्रोविंस यू चूज, योर फैमिली, योर फैमिली बैकग्राउंड। दैट मीन्स अगर आप अनमैरिड है, आप सिंगल है और आपकी एज कम है, तो आई वुड हाईली एडवाइस यू कि आप डबल आर एस में जाओ, डेट मीन्स रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में जाओ। अगर आपकी एज 35, 40, 50 भी है, स्टिल यू कैन गो इन टू द डबल आर एस स्ट्रीम। इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट है डायरेक्ट पी आर है, आप अपनी होम कंट्री के अंदर बैठे होंगे तब भी आपको आराम से पीआर मिलेगा। इट्स वेरी इजी, इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास प्लस टू होना चाहिए, मिसाल 12th पास होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स में, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आपको उसमें एक चीज़ कहूँगा, अगर आपकी एज बिटवीन 22 या 20 से लेकर 35 के बीच में है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो इन टू द डबल आर एस स्ट्रीम, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। अगर आप फैमिली वाले हो, मींस आप सिंगल नहीं हो, मैरिड हो, या आप लाइक आपका एक स्पाउस है, या अगर आप मैरिड भी हो और आपके बच्चे भी है और आप चाहते हो कि एज सून एज पॉसिबल मुझे कनाडा मूव होना है, आई कांट वेट, 2 महीने 3 महीने भी वेट नहीं करना था, आई वुड हाईली एडवाइस यू देन गो इन टू द प्री अप्रूवल LMI। एक होता है टूरिस्ट वीजा से विजिटर वीजा से कन्वर्ट करना वर्क परमिट पे, वो भी LMI है, और एक होता है प्री अप्रूव्ड LMI, दैट मीन्स ऑलरेडी LMI अप्रूव्ड है, उस पर आपको अपना सिर्फ नाम चढ़ाना है। सो विदिन 2 डेज 3 डेज या विदिन वीक के अंदर भी आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट अप्लाई होते 2 तरीके से, एक होता है ऑनलाइन अप्लाई करोगे इट विल टेक 2 to 4 months, ऑफलाइन अप्लाई करोगे अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है कनाडा का, आप यूएस कनाडा के बॉर्डर पर जाओ, बॉर्डर पर फ्लैग पुलिंग करो, विदिन 10 मिनट्स, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, 40 मिनट्स या 1 आवर के अंदर आपके हाथ में वर्क परमिट होगा, वर्क परमिट की स्टैंप होगी। So that's a different topic, but I will today talk about the double RS team, rural renewable team, and you have to check by yourself कि आपको स्ट्रीम पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर किसी को जाना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट PR, इजी PR, आपको झंझटों पे नहीं पड़ना, मेरे को स्टडी वीजा नहीं करना कि मैं 2 ईयर की स्टडी करूँगा, फिर 3 ईयर्स का वर्क परमिट लूँगा, उसके बाद मेरे को मेरा हो ना हो, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द CRS स्कोर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोविंस विच यू चूज, इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका पास एक्सपीरियंस, आपकी पास क्वालिफिकेशन, और जो आप कोर्स चूज करते हो स्टडी वीजा पे जाते हो तो। सो सीधा बात करते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे बात करते हैं। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू नीड LMI, प्री अप्रूव्ड LMI, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, डजंट मैटर एनी कैटेगरी, इवन डायरेक्ट PR, इन्वेस्टमेंट वीजा या FDI के रिगार्डिंग, देन go and take a help from the Stark Visa Immigration. Stark Visa Immigration, they will help you from the basic till end, aapke profile ko pura assessment karenge, and they will let you know ki aapko kis pathway ko choose karna chahiye jisse aap easily Canada pahuncho bhi, aapko aaram se PR bhi mile. Doesn't matter whatever the, agar aapne kuch pehle se choose kiya hua hai, you can take their help. Description mein unka link aur unki main website ka link dal dunga, even main number bhi dal dunga. Her name is Miss Bharati. You can contact her through WhatsApp or through normal call, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, आप उन्हें बात कर सकते हो। टेक माई रेफरेंस, टेक माई नेम, यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। सो बात करते हैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। नवीन, डबल आर एस टीम है, रूरल रिन्यूअल स्टीम। इस टीम का मेन मोटिव और मेन मकसद था कि अल्बर्टा प्रोविंस के रूरल पार्ट्स को प्रमोट करना, अल्बर्टा प्रोविंस के रूरल पार्ट्स को, ओनली रूरल पार्ट्स को, जिनकी पॉपुलेशन चाहे वो टाउन हो, विलेज हो, मिनी सिटी हो, जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, 10,000 से कम है या 1,00,000 से कम है, इन चीज़ों, इन पर्टिकुलर एरियाज को प्रमोट करना कि वहाँ पे लोग माइग्रेट करें, वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जॉब की स्कार्सिटी है, सॉरी जो जॉब्स है और लोगों की स्कार्सिटी है, कि लोग आए वहाँ पे, सेटल हुए फैमिली के साथ, अपने आप आए और वहाँ पे आके जॉब करें, उसकी इकॉनमी में हेल्प करें, मीन्स हर चीज़ से उसको बूस्ट किया जाए। So this is the main point and the main criteria to start the rural renewable stream. अब इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती है, मैं आपको कम्युनिटीज़ आपको शो भी हो रही होगी,
ये जितने भी कॉमेडी आपको शो हो रही है स्क्रीन के अंदर, चाहे वो सिटी ऑफ ब्रुक्स हो और जो डेजिग्नेशन डेट मेंशन है साथ में, ये सारी चीजें आपको शो हो रही है कि ये जो कॉमेडी है कब आई थी इस रूरल रिन्यूएबल स्कीम के अंदर। सिटी ऑफ ब्रुक्स हो मई 13, 2022 में, सिटी ऑफ ग्रैंड परेरे हो, टाइम ऑफ व्हाइट कोट हो, या अकबर लेटपिट सिटी है, फोर्ट मैकमोरे है, तो बहुत सारी सिटी है, टाउन ऑफ हेल्टन है, म्यूनसिपालिटी ऑफ जस्पर है। इनका तो मेन मकसद यही था टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अल्बर्टा प्रोविंस, और वहाँ पे लोग आए, मूव हुए और उस तरह की इकॉनमी में बूस्ट हो, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खाली है, वहाँ पे लोगों की कमी है, तो वहाँ पे लोग आए, वर्क करें और वहाँ पे हेल्प किया जाए, हर चीज़ को उस कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाथवे इन टर्म्स ऑफ पिया। कनाडा के अंदर टोटल 64 डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है इन टर्म्स ऑफ पिया, ओवरऑल सारे प्रोविंस को मिला के, चाहे वो कोई टेक पाथवे हो, अल्बर्टा का टेक पाथवे हो, SINP हो, MPNP हो, NBPNP हो, नोवा स्कोशिया का हो, ब्रिटिश कोलंबिया का टेक पाथवे हो, OINP हो, बहुत सारे डिफरेंट टेक पाथवे, इवन फ्रेंच फ्रेंकोफोन है जो फ्रेंच रिलेटेड है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ यू वॉन्ट अ डायरेक्ट PR, घर बैठे बैठे PR चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओनली पाथवे, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट पाथवे टू गेट इन टू द कैनेडा PR। एक्सप्रेस एंट्री में बहुत टाइम लगता है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट रिकमेंड एनीवन कि एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओ, PNP में फाइल लगाओ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है, और आपको किस सिटी को चूज करना चाहिए, किस जगह को चूज करना चाहिए, हर चीज़ के रिगार्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिसन वेरी केयरफुली। एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, चैनल को सपोर्ट जरूर करना बाय लाइकिंग इट एंड बाय शेयरिंग इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यार अब आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसका क्या प्रोसेस है, लिसन वेरी केयरफुली, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि मुझे कैनेडा का डायरेक्ट PR चाहिए डबल RS स्ट्रीम के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, लिसन वेरी केयरफुली। आपको इमिग्रेशन कंसर्न एजेंट नहीं बताते हैं, ये आपको इसी तरह ही पाथवे होगा और इसको इसी तरह ही करना, और जैसे मैं कहूँगा, अगर आप इस स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को यही बोलना जो मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको इन डेजिग्नेटेड कम्युनिटी से, जो आपको कॉमेडी आपको पहले शो हो रही थी स्क्रीन के अंदर, सिटी ऑफ ब्रुक्स हो, जैस्पर हो, फोर्ट मैकमोरे हो, या व्हाइट कोट टाउन हो, ग्रैंड परेरे हो, यहाँ पे आपको पहले किसी भी लोकल एम्प्लॉय का ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पहले एक ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको आपको जॉब देता है और आपको ऑफर लेटर मिलेगा। देखो मैं को इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, धक्के खाओगे, खुद जाओगे, धक्के खाओगे, एम्प्लॉयर से बात करोगे, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स बेटर टू कॉन्टैक्ट विद एनी स्पेसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऑलरेडी अल्बर्टा के अंदर हो, आप धक्के खा सकते हो, आप हार्डवर्क कर सकते हो, यू हैव इनफ मनी, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, करो, ट्राई करो फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सीधा सीधा पाथवे जाओ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, जो CICC RICC अप्रूव्ड हो, जो कैनेडा गवर्नमेंट ऑथराइज हो, जो आपको प्रॉपरली हेल्प करे फ्रॉम द ऑफर लेटर टिल PR। अदरवाइज धक्के खाओगे, फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे LMI के रिगार्डिंग हो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो, और स्टार्क वीज़ा को जरूर चूज करना, दे विल हेल्प यू आउट इन ईच वीज़ा कैटेगरी, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, टूरिस्ट हो, कुछ भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफर लेटर चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला, किसी भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर का, इस डेजिग्नेटेड कम्युनिटी के अंदर आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर के बाद आपको आएगा, आपको चाहिए होगा एडोर्समेंट लेटर। एडोर्समेंट लेटर के लिए एम्प्लॉयर को EDO को, EDO के सामने, या मान लो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेयर के सामने इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपको एडोर्समेंट लेटर आता है, एडोर्समेंट लेटर मिलता है उस एम्प्लॉयर को, और वो आपको देता है, आपके नाम पे आपको एडोर्समेंट लेटर आता है। अब उसके अंदर अगर आप देखोगे जो स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा है, ये आपको चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द EDO सपोर्टिंग द एप्लीकेशन, मीन्स उस एम्प्लॉयर का नेम, उसका एड्रेस, योर फुल नेम, आपका नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, मीन्स अगर मैं फाइल कर रहा हूँ DRS के अंदर तो मेरा नाम, मेरा एड्रेस, और नेम ऑफ द बिजनेस, जो एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर और एडवर्समेंट लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नेम, उसका बिजनेस, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर मेरे को फोर्ट मैकमोरे में या जैसपर जगह पे मिल रही है, या मुझे व्हाइट कोट में मिल रही है, तो उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए,
पोजिशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब ड्यूटीज या जॉब जो भी है, मतलब जो आपको जॉब मिल रही है, चाहे फूड काउंटर अटेंडेंट हो, कैशियर की जॉब हो, हाउस क्लीनिंग की जॉब हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हो, आपकी जॉब की पोजिशन, आपका नॉक कोड, आपका NOC कोड जो होता है, और आपका आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज की डिस्क्रिप्शन, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क कंडीशन। तो ये आपको चीजें होगी जो आपको अडॉप्टमेंट लेटर में लिखी हुई मिलेगी, और ये चीजें होती है। इसमें एक चीज और है, इसमें नॉक कोड 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जितने भी नॉक कोड है सब के सब एलिजिबल है, ऑल आर एलिजिबल। 0, 1, 2, 3, 4, 5 नॉक कोड ABCDE सब एलिजिबल है, सो टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर इन एलिजिबल जो ऑक्यूपेशन है, जो मेरे को स्क्रीन पे शो हो रही है, ये सारी ऑक्यूपेशन, लेजिस्लेटर, एस्कॉर्ट एजेंसी, ऑथर, म्यूजिशियन एंड सिंगर, जस्टिस फॉर द पीस, एक्टर, कॉमेडियंस, परफॉर्मर, आर्टिशंस, एथलीट्स, डेंटल लेबोरेटरी बेंच, ये जितने भी चीजें आपको शो हो रही है, जितने भी आपको ये जॉब की कैटेगरी से नॉक कोड है और ऑक्यूपेशन है, दे आर नॉट एलिजिबल अंडर द रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। सो मेक श्योर यू शुड नो कि आप जो जॉब ले रहे हो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा, मीन्स आपके पास जो होम कंट्री में आपके पास जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो कैटेगरी टायर 1 का हो, टायर 0 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, मीन्स नॉकआउट 0, 1, 2, 3, 4, 5 का हो, तो आपके पास एक हफ्ते में मिनिमम आप 30 hours आप वर्क करते हो। 30 hours शुड बी, यू शुड वर्क फॉर एटलीस्ट मिनिमम 30 hours। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास जो पुराना एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो टायर 1 का है, तो जो मुझे जो जॉब वहां मिलेगी रूरल रिन्यूएबल स्कीम के अंदर मिलेगी, अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर मिलेगी, अगर टायर 1 का है तो टायर 1 में ही जाऊंगा, अगर मीन्स टायर 0, 1, 2 के अंदर ही मुझे जॉब मिलनी चाहिए, अगर टायर 2 है तो टायर 1, 2, 3, 4 आर एप्लीकेबल और एलिजिबल फॉर मी। अगर मैं अल्बर्टा प्रोविंस में जाता हूँ, मुझे इस तरह की जॉब मिलेगी, मिलनी ही चाहिए, ऑफर लेटर, एडोर्समेंट लेटर, मुझे इस तरह की जॉब का ही मिलना चाहिए मुझे, अगर अल्बर्टा रूरल रिन्यूएबल स्कीम में फाइल करना है तो। तो सेम गो टू टायर 3, टायर 4 एंड टायर 5। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट देखो, इफ यू हैव अ जॉब ऑफर फॉर नॉक कोड 0, 1, 2 और 3 ऑक्यूपेशन, आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, दैट मींस CLB की जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 5 ऑफ ईच लैंग्वेज स्किल्स, मींस लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपको हर मॉड्यूल में 5 आपका होना चाहिए, एंड इफ यू आर स्पीक फ्रेंच तो फ्रेंच में भी आपके 5 होने चाहिए ईच मॉड्यूल में, एंड इफ यू हैव अ जॉब कोड और नॉक कोड ऑफ 4 और 5 तो आपके मिनिमम 4 होने चाहिए लैंग्वेज में, मींस हर मॉड्यूल में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो इट्स दैट इजी, इतना इशू की बात नहीं है, बहुत इजी है आई वुड से। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ, पहले ऑफर लेटर मिलता है, ऑफर लेटर के बाद 1 महीने में 2 महीने में एंडोर्समेंट लेटर मिलता है। मैं आपको इसमें एक चीज कहूंगा, अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, अपने एम्प्लॉयर से बात करो, अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, कि भाई मुझे ना 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही लाके एंडोर्समेंट लेटर दे, पहली बात करो कि 1.5 महीने के अंदर मुझे एंडोर्समेंट लेटर मिल जाना चाहिए ऑफर लेटर के बाद, क्योंकि वंस यू गेट द ऑफर लेटर, वंस यू गेट द एंडोर्समेंट लेटर, आपका 60% वर्क इज डन। एंडोर्समेंट लेटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, एडोसमेंट लेटर आ जाएगा, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल लगाने हैं, आपको मेडिकल फाइल या कुछ लगानी है PNP के लेटर, मींस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर, अब वो होता है इनविटेशन लेटर, वो आपको लगानी होगी AAIP के अंदर, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। सो इट्स सिंपल, और पहले इसमें टाइम लगता था PNP सर्टिफिकेट आने में, इनविटेशन लेटर आने में 5 to 6 months, बिकॉज वंस यू गेट द PNP दैट मीन्स 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ PR, बट अभी बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लग रहा है, तो इट विल टेक 9 months और 10 months और माइट बी 1 year, बट नॉट मोर देन दैट। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द म्युनिसिपैलिटी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री यू आर गोइंग, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द नॉक कोड यू आर गोइंग, बट इट विल टेक अराउंड 8 to 9 months मैक्सिमम इन द करंट सिचुएशन। आज जून 2024 है,
इसके मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो भी करंट चल रहा है टू गेट अ पीएनपी एंड वंस यू गेट द पीएनपी योर 95% वर्क इज डन. सो इट्स दैट सिंपल. और उसके बाद आपको 4 से 5 महीने मैक्सिमम लगती है पीआर कार्ड आने में. जो पीआर कार्ड आपका आता है वो ओटवा से आता है जो कैनेडा की कैपिटल है. फेडरल गवर्नमेंट से आपको आते हैं. और कई लोगों के माइंड में होता है अगर मुझे पीएनपी आ जाए और मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहूँ क्या मैं कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो. लेकिन जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे इट वुड बी अ क्लोज वर्क परमिट. दो तरह के वर्क परमिट होते हैं कैनेडा में, क्लोज वन एंड ओपन वन. सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. क्लोज वर्क परमिट होता है कि आप उसी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो जिसने आपको ऑफर लेटर, एनडोर्समेंट लेटर प्रोवाइड किया हुआ है. आप उसी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो, आप कहीं और वर्क नहीं कर सकते हो लीगली. इलीगली कैश में करते हो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लीगली आप उसी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो. ओपन वर्क परमिट होता है कि आप 2 जॉब करो, 3 जॉब करो, 4 जॉब करो, 5 जॉब करो, डजंट मैटर. आप किसी भी इंडस्ट्री भी, किसी भी जॉब में भी वर्क कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो. मीन्स यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. सो अब फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, डेट मीन्स सेटलमेंट फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर द रूरल रिन्यूएबल्स टीम इन कैनेडियन डॉलर्स. अगर जिस टाउन में जा रहे हो या विलेज में जा रहे हो या सिटी, मिनी सिटी में जा रहे हो, अगर वो उसकी पॉपुलेशन लेस देन 1000 है या 1000-30,000 के बीच में है या 30,000 से 1 लाख के बीच में है, अगर फैमिली मेंबर 1 है तो आपको आपको इतनी रिक्वायरमेंट होगी 8,922. अगर 1,000 से 30,000 के बीच में है तो आपको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 10,151. ऐसी फैमिली मेंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यू कैन चेक ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हो. तो इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड इट्स दैट इजी. आपको फंड शो करने हैं जस्ट, चाहे वो सेविंग में हो, एफडी में हो, बट इट शुड बी अ लिक्विड एसेट. ऐसा ना हो कि मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास घर है, वो. इट शुड बी अ लिक्विड एसेट, चाहे वो म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर हो. बट आई वुड सजेस्ट म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट को थोड़ा अवॉइड करना. इट शुड बी इन पीपीएफ, इट शुड बी इन पीएफ, इट शुड बी इन लिक्विड एसेट. मीन्स सेविंग अकाउंट के अंदर हो या एफडी के अंदर हो, फिक्स डिपॉजिट के अंदर हो. सो दिस थिंग्स विल योर रिक्वायरमेंट इन चीज़ों के रिगार्डिंग फॉर रूरल रिन्यूएबल स्कीम. मैं आपको इसमें कहूँगा अगर आप फाइल करना चाहते हो इट्स अ प्लस पॉइंट. दूसरी बात, अल्बर्टा का सबसे जो एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे ना ड्रॉ बहुत जल्दी निकलते हैं अल्बर्टा में, हर चीज़ में, चाहे वो टेक पाथवे हो, चाहे वो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्कीम बंद हुई थी बीच में अभी फरवरी में और अभी स्टार्ट हो चुकी है 11 जून को. और अभी तो अल्बर्टा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला कि वो हर महीने महीने ड्रॉ निकालेंगे. डेट्स आपको मैंशन हो रही है स्क्रीन के अंदर. सो इट्स अल्बर्टा सबसे प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे ड्रॉज होते हैं. और अभी लास्ट टाइम 145 सीट्स निकली है 11 जून 2024 को. मीन्स हर महीने 145 सीट्स निकलेगी रूरल रिन्यूएबल स्कीम के अंदर. सो देख लो, इट्स दैट इजी. तो मैं आपको कहूँगा तो पैसे आपके एलएमएम पे भी लगने हैं, पैसे आपके इसमें भी लगने हैं. मेरे हिसाब से गो टू द रूरल रिन्यूएबल स्कीम, आपको घर बैठे मिल सकता है. बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं सीआरएस में और आपका पीएनबी में अच्छा हो जाएगा, तो आई वुड से गो इनटू द एलएमआई. आप एलएमआई पे जाओ और एलएमआई में भी आप सिर्फ प्री अप्रूवल एलएमआई पे जाना. दैट्स लाइक कन्वर्ट मत करवाना, कन्वर्ट करवाओगे टाइम वेस्ट होगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. कैनेडा के अंदर हो इट विल टेक 4 मंथ्स, मैं आपको वर्क परमिट मिलता है बट नो गारंटी. ESDC आर द वन हु विल अप्रूव और रिजेक्ट द एलएमआई. अगर आप कैनेडा के बाहर हो, एलएमआई के लिए अप्लाई करते हो, इट विल टेक 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ्स, नो टाइम लिमिट. इट्स ऑल डिपेंड आपकी जॉब कैसी है, आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, किस तरह आपका नॉक कोड के डिमांडिंग इंडस्ट्री है या नहीं है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो इनटू द प्री अप्रूव्ड एलएमआई. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ यू नीड मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्क वीजा का मैंने डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट सेक्शन पे मैंने वेबसाइट मेंशन कर दी है. यू कैन वांट टू विजिट देयर ऑफिस, यू कैन गो. आप उनके मैंने नंबर भी मेंशन कर दिया, आपको व्हाट्सअप करो, कॉल करो, टेक माय नेम, टेक माय रेफरेंस, यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन एनी वीजा कैटेगरी. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, CICC, RCIC कैनेडा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है. सो डोंट वरी, टेंशन की बात ही नहीं है. सो यू कैन ईजिली ट्रस्ट देम बिकॉज इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट मीन्स, लेकिन मैं करता नहीं हूँ प्रमोट करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बात है, मैंने चेक है, उनके पास है, दे हैव शोन द डॉक्यूमेंट्स, दे आर लेजिटिमेट, यू कैन गो फॉर इट, एटलीस्ट गिव अ ट्राई. ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, पैसे नहीं लग रहे हैं, ट्राई इट.
अच्छा लगे कंटिन्यू, ना लगे लेट इट बी, जय माता दी। सो वीडियो वहीं पे एंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।